नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्थम और आज हम चर्चा करेंगे गोपाल स्नैक्स की। गोपाल स्नैक्स का आईपीओ आज से खुल गया है। इशू साइज है 650 करोड़ रुपए और पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में पैसे नहीं आएंगे, निवेशकों के पास कंपनी से पैसे जाएंगे जो भी कुछ कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाएगी। कंपनी की बात करें तो 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई और नमकीन बनाती है, चिप्स बनाती है और नमकीन में भी गाठियाँ ज़्यादा बनाती है क्योंकि गुजरात बेस्ड ही कंपनी है। और ख़ास चीज़ ये है कि इनकी करीब करीब 80% जो रेवेन्यू है, कारोबार जो है, वो गुजरात से ही आता है। हालांकि 10 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पहुँच है, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बड़ा तगड़ा इनका है। 617 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 3 डिपो हैं और प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो गुजरात में 2 और महाराष्ट्र में 1 प्रोडक्शन यूनिट है। इस आईपीओ पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आस्था जी, अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रमोटर काफ़ी अनुभवी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा दमदार है, हालांकि चूंकि इतना कंपटीशन वाला ये बिज़नेस है कि मार्जिन बड़ा टफ हो जाता है, ज़्यादा मार्जिन उठा पाना। आप ज़रा ये बताइए कि आपको कंपनी कैसी लग रही है और चूंकि पूरा का पूरा ऑफिस है, आप क्या सलाह दे रही हैं इसमें? अभिषेक जी, जी देखिए, ओएफएस है और इसमें भी प्रमोटर्स कुछ हिस्सा यहाँ पे बेच रहे हैं बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंपनी कैसी है, तो बिल्कुल जिस तरह से गाठियाँ इनका कोर बिजनेस है और कोर प्रोडक्ट है, तो गाठिया और नमकीन मिला के तकरीबन 60% ऑफ रेवेन्यू आता है, क्योंकि 30% के आसपास FY23 के फिगर्स के हिसाब से गाठिया से और FY23 के फिगर्स के हिसाब से 30% के आसपास नमकीन से आता है। मेजरली इनकी सेल जो है या इनका मेजर मार्केट गुजरात में है, क्योंकि अराउंड 75 या 76% ऑफ सेल्स गुजरात से ही हो रही है, तो मेजर मार्केट इनका गुजरात है। एक्सपोर्ट कुछ खास ही करते नहीं है, ओनली 0.13% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट है, तो पूरा डोमेस्टिक सेल्स है जिसमें कि गुजरात यहाँ पे मेजर एरिया आता है। कंपनी की बात करें तो पुराना अनुभवी प्रमोटर बेस है, पुराना इनका काम है और देखा जाए तो इनके फंडामेंटल्स में भी जो फाइनेंशियल्स है वो ठीक है, क्योंकि मार्जिन जरूर आपने बोला कि यहाँ पे मार्जिन्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रॉ मटेरियल कॉस्ट का, तो उसकी वजह से उठा पटक बिल्कुल हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्जिन को संभालना भी एक बड़ी बात है, रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे मैनेज करती है कंपनी। तो कंपनी की विस्तृत यहाँ पे अगर जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी है उस हिसाब से हमें ये ठीक ठाक आईपीओ लगता है। सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेजरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाइए, तो अगर लंबा नजरिया है तो इसमें लगाइए, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट है जो कि आगे जाके महत्वपूर्ण हो जाएंगे, देखने वाले हो जाएंगे। देखिए, कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनमें देखा जाए तो थोड़ा सा अब क्योंकि बीच में कुछ यहाँ पे डिवाइड हुआ था, एक प्रमोटर एग्जिट भी कर रहे थे जो इनके बड़े भाई थे विपिन भाई के, उन्होंने भी एग्जिट किया था, उसके बाद उन्होंने खुद का ब्रांड खोल दिया गोकुल के नाम से, तो कंपटीशन अभी वहां से आएगा। देखिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी उस कंपटीशन को कैसे टैकल करेगी, और उसकी वजह से भी हमने देखा कि जो ये इवेंट हुआ उसकी वजह से भी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स में एक हमें देखने को मिला, एक असर देखने को मिला। तो मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाते हुए इनकी कैसे नतीजे आएंगे उस पर एक नजर रखनी चाहिए, कॉम्पिटिशन को ये किस तरह से फेस करेंगे उस पर एक नजर रखनी चाहिए, और इन्हीं सभी पैरामीटर्स के चलते सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रख के लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको नजरिया रखना है, लंबी अवधि के लिए ही आपको इसमें पैसे लगाने की सलाह है। आस्था जी, अगर हम पीयर्स की बात करें तो लिस्टेड में तो प्रताप स्नैक्स दिख रहा है, छोटे छोटे अगर हम बिजनेसेस की बात कर लें तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटानिया भी है, ITC भी है, लेकिन वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पर जरा बताइए कि वैल्यूएशंस क्या इसके ठीक ठाक हैं, वाजिब हैं? स्पेस में दो पीयर्स मेनली हैं, बिकाजी और प्रताप स्नैक्स। अब बिकाजी की बात करें या प्रताप स्नैक्स की बात करें तो पैन इंडिया प्रेजेंस है उनकी और डिस्ट्रीब्यूटर बेस भी दोनों कंपनीज का इस कंपनी के मुकाबले में काफी हाई है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो बिकाजी से तो वैल्यूएशन आपको सस्ते लगेंगे, लेकिन प्रताप स्नैक्स के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक लगेंगे, स्पेशली जब मैं ईवी बाय एबिटा या ईवी बाय सेल्स की बात करती हूँ। ये दो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे प्रताप स्नैक्स से थोड़ा सा ये ज्यादा लगता है, लेकिन बिकाजी से कम लगता है। तो वैल्यूएशन की अगर यहाँ पे बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं, क्योंकि अभी गुजरात
फोकस्ड पूरा बिजनेस है, वो बिजनेस पैन इंडिया पे किस तरह से परफॉर्म करेगा वो देखना है, इनके आगे फाइनेंशियल्स में किस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ते हुए ये पास करेंगे प्राइजेस वो हमें देखना है, तो उस हिसाब से भी हमें नजरिया रखना चाहिए। तो वैल्यूएशंस यहाँ पे ठीक ठाक है, एक बड़े प्लेयर से कम है और एक बड़े प्लेयर के बराबर के है, तो एक मिक्स वैल्यूएशंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। लेकिन मेजरली चीज ये है कि आगे ये किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो देखना जरूरी है। तो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ एक पैरामीटर्स के चलते, और अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है। लेकिन अगेन अभी के जितने भी दो तीन आईपीओज आए मैंने सबने एक ही बात बोली है कि बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करे, तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव आपको लॉन्ग टर्म का रख के ही इन आईपीओ में लगाना है। ठीक है आशा जी, एक आखिरी सवाल। तो गुजरात में जो कंसंट्रेशन है, 80% इनका इनकी आय वहीं से आ रही है, क्या वही एक चिंता है या फिर कोई और भी चिंता है? और दूसरी चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो बिल्कुल ना लगाएं वो, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है? देखिए, आप बहुत ज्यादा कन्विक्शन अभी इस तरह पॉइंट पे देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल कैसा है वो भी हमें देखने का होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहा, तो वो एक पैरामीटर उसको जरूर ध्यान में रखना है। और गुजरात में तो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो एक है, और कंपनी उसमें एक्सपेंड भी कर रही है, अब धीरे धीरे 10 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में भी कंपनी अपना कारोबार फैला रही है, तो वहां पे भी पिकअप होगा। लेकिन दूसरा कि गोकुल जो कॉम्पिटिशन दे रहा है उसको कैसे मीटअप करेंगे, वो भी एक पैरामीटर है जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न करता है, क्योंकि गोकुल जो ब्रांड है वो इन्हीं के ब्रदर का है जो पहले सेल्स देखते थे इसी कंपनी में, और फिर कुछ वजहों से वो अलग हुए हैं, तो वो अब किस तरह से इस कंपटीशन को मीट करते हैं वो देखने की बात है। दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते हमने जो बाकी की लिस्टेड पीयर्स में देखा है वहां पे मार्जिन में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला है, स्पेशली अगर हम Q2 या Q3 की बात करें तो उन नतीजों में, तो वो एक कंपनी के लिए कैसा यहाँ पे काम करेगा वो भी देखना है। तो सभी फैक्टर्स को मिला के मैं यही सलाह दूंगी कि आप लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं तो लगाइए, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए, मेन पर्सपेक्टिव अभी लॉन्ग टर्म का रख के ही इसमें लगाइए। तो भाई ने अलग हो कि सेम कारोबार में एंट्री कर ली, कोई एंट्री बैरियर इसमें है नहीं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा आप लिस्टिंग से उम्मीद ना करें, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। गोपाल स्नैक्स में प्राइस बैंड 381 से 401 रुपये, लॉट साइज 37 शेयरों का है, और इसके हिसाब से जो न्यूनतम निवेश बनता है वो बनता है 14,837 रुपये का। लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 14 मार्च को। ठीक है आशा जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर भी विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए।